हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो से मायंस रूल्स 1955 की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मायंस रूल के बारे में हम ब्रीफ जान लेते हैं कि मायंस रूल बनाता कौन है, ऐसे कौन से पावर्स होते हैं अथॉरिटी को कि वो ये रूल बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है, मायंस एक्ट में सेक्शन 57 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन 57 ऑफ माइंस एक्ट 1952 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए माइंस रूल्स 1955 बनाई है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी। अगर रूल नंबर फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशंस। शॉर्ट टाइटल्स मीन्स कि जो इतना सारा जो माइंस रूल्स, जिसमें टोटल 84 रूल्स दिए गए हैं, उन्हें हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे। तो दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज माइंस रूल्स 1955। मतलब जो 84 टोटल रूल्स दिए गए हैं उसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं माइंस रूल्स 1955। इसी में सब रूल सेकेंड कहता है, एज एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी माइन ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन टू विच द एक्ट अप्लाइज। मतलब जहाँ जहाँ एक्ट, एक्ट मीन्स माइंस एक्ट अप्लाई होता है, वैसी सारी माइंस में सारी जगह पे माइंस रूल्स भी अप्लाई होगा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर कहीं पर यह अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए कुछ एक्सप्रेस प्रोविजंस बनाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोवाइड नहीं किया गया ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन, उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी माइंस एक्ट अप्लाई होता है वहाँ माइंस रूल भी अप्लाई होगा। रूल टू डेफिनेशंस। मतलब इस माइंस रूल में ऐसे कुछ टर्म्स होंगे जो बार बार रिपीट होंगे और जिसे माइंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया हो, उसे अभी इसे माइंस रूल में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो भी 84 रूल्स हैं वहाँ पे अगर ये नीचे दिए गए डेफिनेशंस या टर्म्स जो दिए हैं उनका डेफिनेशन, अनलेस अगर वहाँ पे कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिया हो उसमें अलग होगा, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है उस समय जो डेफिनेशंस में मीनिंग दिया गया है वही उस टर्म की मीनिंग होगी। जैसे द एक्ट, आगे जो हम रूल्स पढ़ेंगे वहाँ जहाँ कहीं पे भी एक्ट ये टर्म आता हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग होगा कि वो माइंस एक्ट 1952 को रिफ़र कर रहा है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मीन्स अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ माइंस एक्ट। जैसा कि आपको पता है सेक्शन 23 में एक्सीडेंट्स दिया है, सेक्शन 24 ऑफ माइंस एक्ट में दिया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, राइट। तो जब किसी माइंस में कोई एक्सीडेंट अकर होता हो उस केस में उसे इंक्वायर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करती है, जो इधर कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को उस एक्सीडेंट में इंक्वायर करने के लिए वो अपॉइंट करेगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट माइंस एक्ट के सेक्शन 24 में अपॉइंट करती है उसका ही मीनिंग यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दिया गया है। मतलब माइंस रूल में अगर कहीं पर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या टर्म आएगा उसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होगा कि वो रिफ़र कर रहा है सेक्शन 24 ऑफ माइंस एक्ट। नेक्स्ट है फॉर्म्स। अब अपने जब माइंस एक्ट पढ़े होंगे वहाँ पे बहुत सी जगह पे किसी फॉर्म को स्पेसिफाई किया गया होता कि एक आपका मेंशन फॉर्म में आपको ये डाटा फिल करना हो, लेकिन उस समय माइंस एक्ट में ये फॉर्म कौन सा रहेगा ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो वही अब जो फॉर्म वहाँ पे नहीं बताया गया था वो सारे फॉर्म से भी माइंस रूल में दिए गए हैं। तो फॉर्म का मीनिंग क्या होगा, मीन्स फॉर्म एज गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल।
माइंस रूल में 6 शेड्यूल हैं, तो उसमें सबसे पहला जो शेड्यूल है उसमें जितने भी फॉर्म्स है ए से लेके यू तक, उन सब फॉर्म्स को वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन। सेक्शन मीन्स अ सेक्शन ऑफ द एक्ट। माइंस एक्ट के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम सेक्शन से डिनोट करते हैं। तो जहाँ कहीं भी सेक्शन ये टर्म आएगा उसका मीनिंग होगा कि वो एक्ट के सेक्शन के बारे में ये बोल रहा है। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल अपेंडेड टू दिस रूल्स। क्या होगा आप माइंस रूल्स आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ शेड्यूल दिए हैं, टोटल 6 शेड्यूल हैं। जैसे जैसे शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है फॉर्म्स, राइट, शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया फॉर्म्स, वैसे शेड्यूल टू में जो भी इक्विपमेंट हमें फर्स्ट एड रूम में, शेड्यूल थ्री में फर्स्ट एड स्टेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट हमें रखना है, तो उनकी लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर इंक्लूड्स माइन सुपरिटेंडेंट हु इज अपॉइंटेड बाय द ऑनर और एजेंट ऑफ अ माइन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट एंड एज सच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ अ माइन। यहाँ मैनेजर में माइन सुपरिटेंडेंट को इंक्लूड किया गया है। अब ये माइन सुपरिटेंडेंट मतलब क्या होता है, तो माइन सुपरिटेंडेंट मीन्स अ पर्सन हु डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेज करे और डायरेक्ट करे, ऐसे पर्सन को हम सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। तो ये जो मैनेजर है इसे माइंस एक्ट के सेक्शन 17 में ऑनर और एजेंट अपॉइंट करते हैं। जो मैनेजर ऑनर या एजेंट अपॉइंट करेगा वो, उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ अ माइन। मतलब किसी भी माइंस का कंट्रोल हो, उस माइंस का मैनेजमेंट हो, उसमें सुपरविजन करना हो, या उस माइंस का डायरेक्शंस किस तरह से हमें माइंस को आगे बढ़ाना है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ऐसा पर्सन जो सेक्शन 17 के तहत ऑनर या एजेंट ने एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया हो। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन मीन्स अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड टू बी अ सर्टिफाइंग सर्जन अंडर सेक्शन 11। ये 11 होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने अगर माइंस एक्ट पढ़ेगा तो वहाँ पे सेक्शन 11 बोला है सर्टिफाइंग सर्जन, है ना। सेक्शन 11 में क्या बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ए सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट करता है। तो वहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन का मीनिंग क्या होगा कि ऐसा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एज ए सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट किया गया हो अंडर सेक्शन 11। तो इसे कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कैलेंडर ईयर। मीन्स अ ईयर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी टू द 31st डे ऑफ दिसंबर। मतलब किसी भी साल के फर्स्ट जनवरी से लेके 31st दिसंबर तक का जो ड्यूरेशन होता है, इधर 365 डेज हो या 366 डेज हो, इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं एक कैलेंडर ईयर। अब एक टर्म आता है फाइनेंशियल ईयर। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और कहाँ तक चलेगा, आपका 31 मार्च तक, है ना। बहुत सी कंपनी में, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो बोलते हैं कि मार्च एंडिंग है, यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, इसका मतलब ऐसा हो कि उसका फाइनेंशियल ईयर अभी एंडिंग पे आता रहता है, तो उन्हें जितने भी फाइनेंशियल काम थे, जो भी बैकलॉग थे, उनको पूरा करना होता है बाय द एंड ऑफ मार्च। तो जहाँ कहीं भी आपको फाइनेंशियल ईयर बताया गया हो या पूछा गया जाए तो आप कन्फ्यूज ना होइए। उसका मीनिंग होता है कि 1 अप्रैल से लेके 31st मार्च तक जो ड्यूरेशन हो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर क्या होगा, 1 जनवरी से लेके 31st दिसंबर तक का जो ड्यूरेशन है उसे हम बोलेंगे कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट है ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन। मीन्स द पर्सन हुम द ऑनर और एजेंट मे अपॉइंट फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंटीन्स। कैंटीन्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है उसे कंप्लाई करने के लिए ऑनर एजेंट एक पर्सन अपॉइंट करता है, उसे एक पर्सन अपॉइंट करना होता है
लेकिन वो मैनेजर को ये ड्यूटीज नहीं दे सकता। क्या होना चाहिए? ऑफिस अरेंजर कैंटीन अदर देन मैनेजर, मतलब फिर ड्यूटी है ऑनर और एजेंट की कि वो एक ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन अपॉइंट करे जो कि मैनेजर ना हो। नेक्स्ट है ऑर्डरली एम्प्लॉयड, विद रेफरेंस टू एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ, मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे इन द माइन और पार्ट ऑफ माइन ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग कैलेंडर ईयर, ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मैन डेज वर्कड बाय द नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग रेस्ट डेज एंड नॉन वर्किंग डेज। इसका मतलब क्या होगा? किसी माइन या माइन से किसी पार्ट के रिफरेंस में अगर हम ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड ये टर्म यूज़ करेंगे, उसका मीनिंग होगा कि उस माइंस में, उस पार्ट ऑफ माइंस में एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर डे कितने एम्प्लॉयड हुए हैं, तो प्रिसीडिंग कैलेंडर ईयर में पूरे एक साल में एवरेज कितने वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड हुए पर डे में। अभी निकालेंगे कैसे हम, तो जितना भी मैन डेज वर्क होता है, मैन डेज वर्क मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स पूरे साल में कितना काम किए हैं। अगर आपके पास एक माइंस में 10 लोग हो और पूरा साल आपका काम चला हो 300 दिन, और वो 10 पर्सन हर दिन काम पे आए, उस केस में क्या हो जाएगा आपका? ये 3000 मैन डेज वर्क हो जाएगा। ठीक, मतलब हर दिन की अटेंडेंस क्यूमुलेटिव निकालेंगे हम पूरे साल भर का, तो साल भर में कितना अटेंडेंस था, कितना मैंडेज लोग काम किए हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज, है ना। जैसे एक साल में 365 डेज है, उसमें वर्किंग डेज 365 हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 52 तो आपके वीकली डे ऑफ रेस्ट आ जाते हैं, है ना। 365 में से 52 गए, उसके बाद फिर साल भर में आपके नेशनल हॉलीडेज आते हैं, है ना, या रेस्ट डेज आते हैं, उसको अगर हम एक्सक्लूड किए, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम उन सबको एक्सक्लूड करने के बाद हमारे वर्किंग डेज अगर हो रहे हैं 300, तो क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कितने हो जाएंगे आपके आदमी? 10। आगे का इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 कमिटीज। अंटिल देन, थैंक यू।